दोस्तों यदि आप भी केएल राहुल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टाटा आईपीएल के 31वें मुकाबले में दो ऐसी टीमें आमने सामने होंगी जिनके बीच की टक्कर कोई भी क्रिकेट प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल और विराट कोहली के बीच की लड़ाई की। बेंगलोर और लखनऊ के बीच मुकाबला शुरू होने से पहले किस तरीके से पहले केएल राहुल ने कोहली की औकात दिखाने वाली बात कही तो उसके बाद विराट कोहली ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यदि आपको भी जानना है इन दोनों दिग्गजों के बीच जुबानी जंग के बारे में तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और केएल राहुल में से महान खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक तरफ बेंगलोर के रॉयल होंगे तो दूसरी तरफ लखनऊ के नवाब। जी हाँ, टाटा आईपीएल में पहली बार विराट कोहली के सामने होंगे केएल राहुल और ये मुकाबला अपने आप में ही बहुत ही हाई वोल्टेज होने वाला है। आपको बता दें कि अब तक इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करते आ रही हैं। एक तरफ जहां लखनऊ ने अपने 6 मुकाबलों में से 4 जीत हासिल की है तो वहीं हैदराबाद भी उनसे जरा भी पीछे नहीं है। विराट कोहली की टीम ने भी 6 मुकाबलों में से 4 में जीत हासिल की है और ऐसे में इन दोनों के बीच का मुकाबला सांसें रोक देने वाला होगा। हालांकि टीम के बीच मुकाबला खेला ही जाएगा लेकिन उससे पहले कोहली और राहुल पहले ही आपस में जुबानी जंग खेल चुके हैं। जी हाँ, पहले लखनऊ के कैप्टन राहुल ने विराट कोहली की टीम आरसीबी के खिलाफ एक धमकी भरा बयान दिया तो वहीं उसके बाद कोहली ने भी इसका जवाब दिया। दोस्तों केएल राहुल ने अपना बयान देते हुए कहा है कि हमें इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। मैं खुद आरसीबी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं और नई टीम लखनऊ के साथ आरसीबी के खिलाफ खेलने का मजा ही अलग होगा। मुझे पता है कि मुकाबले का प्रेशर एक अलग ही लेवल पर होगा और ऐसे मुकाबले में आपकी सहनशीलता का पता चलता है। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा विराट भाई होंगे और उनके लिए हमारा प्लान तैयार है। हम उन्हें जरा भी ढील देने वाले नहीं है और इस मुकाबले में हम ये बताएंगे कि लखनऊ क्या कर सकती है। हमने अब तक अच्छा खेल दिखाया है। हाँ, कुछ नजदीकी मुकाबलों में हमें हार जरूर मिली लेकिन हम एक टीम यूनिट के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी इसे बरकरार रखेंगे और बेंगलोर के खिलाफ तो हम जरा भी ढाल बरतने वाले नहीं है। दोस्तों जिस तरीके से राहुल ने आरसीबी और विराट कोहली को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है उसका करारा जवाब देते हुए कोहली ने कहा है कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी वो तो मैदान पर देख लिया जाएगा और रही बात मेरे विकेट की तो मैं वैसा ही खेल दिखाऊंगा जैसा सभी टीमों के खिलाफ खेलता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल के मुकाबले में रन बनाऊं और हर मुकाबले में मेरी यही कोशिश ही रहती है। आपको एक बल्लेबाज के तौर पर केवल एक ही मौका मिलता है, यदि एक भी गेंद अच्छी पड़ी तो आपका खेल खत्म। पिछले मुकाबले में अनलकी रहा कि रन आउट हो गया। लखनऊ के खिलाफ एक बड़ा मैच होगा क्योंकि वो एक अच्छी टीम है और मुझे पता है कि उनके खिलाफ जीतने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत से खेलने की जरूरत होती है और हम ऐसा करेंगे भी। दोस्तों जिस तरीके से लखनऊ और बेंगलोर के बीच मुकाबला शुरू होने से पहले विराट कोहली और केएल राहुल आपस में भिड़ गए उससे तो अभी ये मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक और हाई वोल्टेज बन गया है जिसे कोई भी क्रिकेट प्रशंसक छोड़ना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बेंगलोर या लखनऊ? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।